नमस्ते किसान, नमस्ते भारत। किरण किसान, किसान पाठशाला। उत्तर प्रदेश का टूर हमारा चल रहा है। अभी सीख रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, गाइडलाइन दे रहे हैं। अभी है हम मुजफ्फरनगर, और ये अपना भी किसान पौधे का एक प्लॉट लगा है यहाँ पर। कुछ बड़े किसान हैं, काफ़ी अच्छी व्यवस्था उन्होंने की है, मेड़ पर ये पौधे लगाए हैं, पेड़ लगाए हैं सफेदा। पानी के मामले में तो बहुत उत्तर प्रदेश काफ़ी रिच है, संपन्न है। आप देख रहे होंगे प्रेशर और सब पानी जा रहा है। चोकिंग पे था तो यहाँ से ये जब निकला है तो खुल के आ गया ऊपर, पर यहाँ तक ये चोक था, चोकिंग पे था उस टाइम पे। ठंड में जो बता रहे हैं भैया, पीछे होगा। अच्छा, तो जुताई नहीं करनी अब तक? जो करनी थी कर दी, अब ना कर। तो ये जो घास जमा लगा इसका क्या करना जी? घास जो जमती है वो हम लोग बताते हैं, घास जमती है तो पौधे से 2 फीट की गोलाई में कुछ ना, खरपतवार ना हो, उसके लिए आप कचरा मल्चिंग कर दो। बाकी बीच में जैसे लंबा हो रहा है तो आप इसको जो है मजदूर लगा के हंसिया से कटवा के, और इसी पे मजदूर तो बहुत पैसे लेंगे, जितने तो कड़े हैं जितने मजदूर लेना भैया। मजदूर नुकारे अब जान उड़ाई जो चल रही हमारे यहाँ से 1000 रुपये बिघा बताऊँ जी। अब इतने तो कड़े इतने मजदूर ले लेंगे सफाई करने है। या तो फिर खरपतवार नाशक डाल लो, खरपतवार नाशक डाल लो तो क्या पौधों को असर करे। वो पैराकोट डाल सकते हैं, पैराकोट तो डाल दें जी, पैराकोट डाल सकते हैं। लेकिन काम करो, हम तो इतना सोच रहे हैं हल्का हल्का फॉलर छील दवा देंगे इसे, और इसमें हम जुताई कर दो। नहीं, रूट इसकी कहाँ तक होंगे जी? यहाँ तक ही तो होंगे रूट, यहाँ तक हल्का करके लगा देंगे, और क्या हल्का करके लगा दो, और वो मिट्टी चढ़ाने वाला लगाओ हल्की हल्की। और सबसे पहले तो एक बेसल डोज जो है यहाँ पे देखे दोनों साइड में, और वो जो आपके पास पावर टिलर है ना उसे आप मिट्टी दोनों साइड में लगा दो। बहुत मत लगाना मिट्टी, होल्ड लगाना इसको थोड़ी और, बहुत मत लगाना थोड़ी सी, 2 इंच मिट्टी लगा दो, 2-3 इसे कितना छोटा करेंगे बजाय बताओ। आप यहाँ आ जाओ जी, देखो समझ गया रूट है इसमें, ये रूट जो आप दिखाना चाह रहे हैं यही है ना, काय पत्ता खड़े नहीं तो मत, ये रूट है, ये चली गई यहाँ पर, रूट फूटने वाली है ये मान लो। हाँ वो तो ये रूट यहाँ से फूटेगी, ये देखो ये शुरू होगी फूटना, अभी बारिश के दिनों में और आएगी, तो आपको यहाँ तक इसे ढकना है। अच्छा, यहाँ तक ढकना है, और फर्टिलाइजर 1 फीट जस्ट दूर यहाँ देना है दोनों साइड। बेड चौड़ा नहीं करना, हमें बेड चौड़ा थोड़ा सा हो जाए, थोड़ा सा हो जाए यहाँ तक, हो जाए चलेगा। यहाँ से जस्ट 1.5 फीट तक आपका आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं, और ये 1.5 फीट लगभग होगा, ठीक है ना? ठीक, इससे 4 इंच और बढ़ा लो, और नहीं तो जितना इतना भी काफी है, पर आप 4 इंच और बढ़ा लोगे तो दोनों साइड में होगा, और बीच में मिट्टी पड़ी रहती है ना तो उसको छोड़ दो आप, पर इसके साइड में इतनी ही मिट्टी होनी चाहिए, ज्यादा मिट्टी ना हो। ठीक है, यहाँ तक मिट्टी लगवा दें। हाँ, ये बेसल डोज डाल के और मिट्टी लगा के फिर आप इसकी सिंचाई करो, ये स्टार्ट हो जाएगा, और ये 2-3 फर्टिगेशन आपको करने पड़ेंगे कम से कम ये 2-3 महीने में। 2-3 फर्टिगेशन तो हम ज्यादा भी कर देंगे, फर्टिगेशन की तो समय को समस्या। ड्रेंचिंग करवा सकते हैं, तो मैं आपको ड्रेंचिंग भी बता देता हूँ, ड्रेंचिंग करवाइए। बताओ जी, ड्रेंचिंग लेबर से होगी, वो 200 ml की ड्रेंचिंग होगी, तो हम करवा देंगे, लेबर है हमारे पास, तो इसमें दो फास्फोरिक एसिड होगा अपने पास, फास्फोरिक एसिड है जी। हाँ, तो फास्फोरिक एसिड और मैग्नीशियम ना, इसमें भी ड्रेंचिंग की थी सर लगभग पिछले सैटरडे को। अच्छा, हमने 1000 पौधों को लिया, 1.5 किलो तो लिया हमने फास्फोरिक एसिड। अच्छा, और जी 12-32 सोडा लिया था हमने, लगभग 12-13 किलो जी जी, और जी उसमें 12-32 सोडा के अलावा पोटेशियम हुमेट 200 ग्राम, 70 ग्राम पोटेशियम फुलवेट लिया था जी जी, और जी यूरिया लिया था 8 किलो, यूरिया 8 किलो। अब आप वो आपको करना क्या है इसमें, 15,000 पौधे के लिए बता रहा हूँ, आपको 15 किलो DAP लेनी है, अच्छा 10 किलो पोटास लेना है, 5 किलो आपको लेना है यूरिया,
5 से 6 किलो यूरिया लेना है। वो बोल भी जाऊंगा, ये तो या तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज देंगे आपको, मैं भेज दूंगा आपको पूरा शेड्यूल व्हाट्सएप पे, मैं हम आपको भेज देंगे। और इसका जो है बता रहे हैं ना, इसका पूरा आपको बताएंगे, तो दो दो सेमर इसके ड्रेंचिंग भी करवाइए। जी जी ठीक है ना। और ये ड्रेंचिंग आपकी लगभग मान के चलिए 7-8 दिन पे चलेगी, क्योंकि इसको यदि वो दोबारा से पिकअप देना है हर 8 दिन बाद। वैसे पौधों में पिकअप है जब जा 10 दिन पे भी हो जाए। अब क्या हो रहा है कि ये जो पौधे आए अब इनमें हर महीने में लगभग 4 या 5 4 पत्ते के लगभग तो आई आ रही थी, और पहले सर्दी में कुछ आया नहीं। 5 दिन पे पत्ता आ रहा है, 5 से 6 दिन पे तो ठीक है। अभी क्या इसमें गैप नहीं है, देखो ये गैप आगे तो है नहीं जी, गैप खत्म है बिल्कुल, ये पत्ते पे पत्ता जी आगे तो। एक थोड़ा परिचय करवा दीजिए पहले, थोड़ा सा आपने कहाँ पर है हम अभी जी, कहाँ पर है आपका नाम और परिचय? मेरा नाम मेरा नाम विक्रांत, विक्रांत जी, विक्रांत सिंह, गांव है हमारा कासमपुर, जिला मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। कितना पौधा लगाया था? पौधा 4800 जुलाई में, ये जून लास्ट। हाँ, ग्राफ क्या रखा है आपने? ग्राफ है 7x5 लाइन से लाइन की दूरी 7 फीट है, 7 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 5 फीट 5 फीट भैया ने फरवरी में गन्ना काटा है, इंटरक्रॉप किए थे, मतलब केला लगाने से पहले गन्ने की बुआई कर दिए थे, उसके बाद इसमें केला लगाए हैं जून में, उसके बाद गन्ना फरवरी में कटा है, उसके बाद में फिर इसमें जो अपना मैनेजमेंट हुआ है कल्टीवेशन वगैरह किए हैं, थोड़ा सा बताएंगे भैया आपको। गन्ने की एक लाइन थी, दो लाइन थी, इसमें डबल लाइन करना था जी। अच्छा, ये यहाँ पर 2 लाइन थी गन्ने की थी, ये बल्कि जम रहे ना पौधे, ये कुछ उनके थोड़ा बहुत हिंड विंड रह गया जो अच्छे से नहीं निकल पाए। कितनी कितनी दूरी पर थी दोनों लाइन? 42 इंची पे 42 फीट थी दोनों, 42 फीट तो इसके करीब में होंगे। हाँ, ये यहाँ पर थी लाइन थी, यहाँ पर लाइन थी, उसको इतनी दूर ना लगा के उनको फिर एक लाइन 9 इंच पर एक, या तो एक लाइन लेते हो, हम एक लाइन लगाते तो गिर जाते हैं। फिर इसका डबल लाइन होने जरूरी है क्योंकि आपस में बंद जाए। हाँ, बंद नहीं करना, नहीं तो उसमें ऐसा कर सकते हैं 1 फीट पर 2 कर लो, वो कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि जो वैरायटी जो आ रही है गन्ना इसमें, ये मान लो आप लगभग 12 फीट से ऊपर गन्ना था, 12 फीट का तो आप मान ही लो, और इतना बड़ा गन्ना अगर मान लिया 1 फुट की दूरी उसके लिए कोई मायने नहीं रखती, ऊपर जाके एक तरफ गिर जाता है। उत्पादन दिया उसने गन्ने, गन्ने का उत्पादन था लगभग, अगर मैं आपको एकड़ की बात बताऊं तो लगभग 350 का ही एवरेज आता है किसानों का लगभग, अगर एवरेज वही एवरेज था जिसमें बढ़िया वाला गन्ना था वही आपका अपना आ गया जबरदस्त, और ये जो है ये प्रॉफिट में, ये बोनस है, ये बोनस है, बस ये है कि उससे थोड़ी ग्रोथ हल्की हुई है, अभी कवर हो जाएगा, कवर हो जाएगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ये मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं, ये इस तरह के पौधे हैं ये सर्दी से पहले फसल दे सकते हैं जी? उम्मीद नहीं, नहीं उम्मीद है, ऐसा उम्मीद है नहीं, आ जाए आ जाए पूरी। अगर इन्होंने सर्दियों से पहले फसल दे दी तो हमें कोई नुकसान नहीं है, अगर सर्दियों में गई इनकी फसल तो फिर नुकसान है जी हमें। नहीं नहीं आ जाएगा, सर्दी आ जाएगा, सर्दी से पहले आ जाएगा जी, बिल्कुल आ जाएगा। तो बस ये सर्दी से पहले करवा दीजिए, हाँ आ जाएगा, बस आपको विशेष कृपा करनी होगी अजी, विशेष से विशेष करेंगे, गन्ने का पैसे इसमें लग जाए, सही बात है। ये जो चौड़ाई है ना, जुड़े रहे किसान पाठशाला के साथ, उत्तर प्रदेश केला खेती।